इंडियन इकोनॉमी, हम सभी को पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का कहने का मतलब है कि यहाँ पर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो इंडिया में प्रोडक्शन और कंजम्पशन का सिस्टम है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस परफॉर्म की, वहाँ पर कैपिटलिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, सोशलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि प्राइवेट ऑनर्स भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि प्राइवेट भी चला रही हैं और जो गवर्नमेंट भी रन करती हैं। तो यानी कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन की जो एक्टिविटीज़ है वो दोनों ही प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर रन करती हैं। तो इस टाइप की इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मींस दैट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी इज ऑन्ड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर एंड द अदर पार्ट इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, जैसे डिफेंस वाला हो गया, फिर न्यूक्लियर वाला हो गया, तो वहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। लेकिन बाकी अदर्स पार्ट में वहाँ पर गवर्नमेंट भी है और जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, प्राइवेट ऑनर्स होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इंडिया क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑनर दोनों मिलकर जो है प्रोडक्शन कंजप्शन को, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, इकोनॉमी को ग्रो कर रहे होते हैं। तो पीपल आर फ्री टू चूज देयर प्रोफेशन एंड स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ देयर लाइकिंग इन एनी सेक्टर। तो इंडिया में जो पीपल्स होते हैं, कुछ सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर में पीपल फ्री हैं, वो जो है अपना प्रोफेशन उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, उनको जैसा प्रोफेशन चाहिए वहाँ पर जा सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल सेक्टर्स लाइक डिफेंस, पावर, बैंकिंग आर हाईली रेगुलेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये जो पावर, डिफेंस, बैंकिंग है, ये जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है। बाकी सभी सेक्टर में पीपल फ्री हैं, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ द लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। तो इंडियन इकोनॉमी में ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो ज़्यादातर लेबर जो फोर्स होता है हमारे इंडिया में, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्री सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है, वहीं पर नौकरी करता है। और जो सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, वो है सर्विस सेक्टर। द सर्विस सेक्टर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। तो आज के टाइम पे इंडिया जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इंडिया को न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के कैटेगरी में रखा हुआ है। न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री का मतलब हो गया कि द डेवलपिंग कंट्रीज़ हुज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ मच हायर पेस देन द अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ और कॉल्ड NIC, यानी कि न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। तो हमारी कंट्री आज के टाइम पे क्या है? बहुत ज़्यादा रेट से, बहुत ज़्यादा अच्छे रेट से जो है वो ग्रो कर रही है तो डेवलपिंग कंट्री में ही, लेकिन अच्छे रेट से जो है वो ग्रो कर रही है एज़ पर कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। टर्की, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, मेक्सिको, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि NIC में आते हैं, यानी कि न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में आते हैं, जहां पर इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है वो ज़्यादा है अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। लास्ट 20 ईयर्स से जो इंडिया की GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो जो है वो एनुअली 6 to 7% से ग्रो कर रही है। और इंडियन इकोनॉमी को फोरकास्ट किया जा रहा है कि $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है 2026 तक, अकॉर्डिंग टू IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इनके अकॉर्डिंग जो इंडियन इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है 2026 तक, अगर ये इस तरीके से ग्रो करती रही। तो इसीलिए जो है इसको NIC, यानी कि न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के कैटेगरी में रखा गया है। किसके द्वारा? डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, वो हायर पेस से जो है ग्रो कर रही है एज पर अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इंडियन इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उसमें सबसे पहले बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर। द एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 14% ऑफ द टोटल GDP ऑफ इंडिया। क्रॉप्स, हॉरिकल्चर, मिल्क, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर एसोसिएट एक्टिविटीज़ आर ऑल इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वहाँ से GDP का 14% हिस्सा जो है एग्रीकल्चर से आता है। उसी तरीके से इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो है 27% ऑफ टोटल GDP कंट्रीब्यूट कर रही है। इट कंप्राइज अ वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर सब सेक्टर। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे जो हमारा आ रहा है उसमें GDP का 27% का हिस्सा होता है। इसी तरीके से सर्विस, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है हमारे यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में, सर्विस जो है वो 59% जो है टोटल GDP का कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का। इट इनकम्प्रेसेस कंस्ट्रक्शन, रिटेल, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। और यहाँ सर यहाँ से जो है 59% जो है टोटल जीडीपी का जो है वो कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। अकॉर्डिंग टू मिस्टर पीयूष गोयल, नाम सुना होगा सभी ने, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल, इन्होंने कहा कि जो इंडियन एक्सपोर्ट है, इंडियन एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू रीच $1 ट्रिलियन बाई 2030। एक्सपोर्ट यानी कि हमारी कंट्री से प्रोडक्ट जो है बनाए जाएंगे और बाहर भेजे जाएंगे। तो ये जो है ये इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो $1 ट्रिलियन जो है 2030 तक बन जाएगा, यानी कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इट इज़ द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी एंड द 3rd लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर पेरिटी। तो इंडियन इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग, वहीं पे 3rd लार्जेस्ट है PPP परचेजिंग पावर पेरिटी के अकॉर्डिंग। तो ये बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड थी। अब बात कर लें फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की जो इंडियन इकोनॉमी की हैं। अब बात कर लें इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स की या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हालांकि आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे 2023 में तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, रेल हो चाहे रोड हो चाहे वाटरवे हो, हर जगह पे आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी भी एज पर कंपेयर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है डेवलप्ड कंट्री के कंपेयर करें तो अभी लो है। तो लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये इंडियन इकोनॉमी का एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इस तरीके से लो पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पर आप काफ़ी लो है। हालाँकि हमारे कंट्री से काफ़ी लोग हैं जो कि टॉप 10 में आते हैं, अमीरों की संख्या में टॉप 10 में आते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो पर कैपिटा इनकम अभी भी हमारे यहाँ पर लो है। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पर इंडियन में जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। हालांकि इस पर जो है जागरूकता फैलाई जा रही है, कंट्रोल करने की बात हो रही है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो रही है अच्छे खासे रेट से। आप न्यूज़ में देख भी हो रहे हैं कि चाइना से आगे जो है इंडिया की पॉपुलेशन निकल गई है। पुवर्टी यानी कि गरीबी, ये भी जो है इंडियन इकोनॉमी में है और ये करेक्टरिस्टिक और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी है, पुवर्टी गरीबी। इनकम डिस्पैरिटी जैसा कि अभी हमने बताया कि जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं, जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हैं, यानी कि इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन जो है सही से तरीके से नहीं है। 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन 53% ऑफ द वेल्थ विद इन द कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में जो 53% है वेल्थ का वो 1% लोगों द्वारा जो है ऑन किया जाता है। तो इनकम डिस्पैरिटी है। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी वो क्या है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड है, हाईली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस सेक्टर एड्स अप टू ऑलमोस्ट 14% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री एंड मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर। यानी कि ज़्यादातर लोग क्या हैं, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड है और 14% जीडीपी का एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। तो अभी भी इंडियन इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। वहीं पे टेक्नोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अनएडवांस टेक्नोलॉजी है अभी भी इंडियन कंट्री में। मोस्ट ऑफ द वर्क डन इन इंडिया इज लेबर इंटेंसिव वर्क, यानी कि अभी भी आप देखेंगे, हालांकि कई सारे इंडस्ट्रीज़ में, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है, लेकिन मतलब मैक्सिमम जगह पर टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है, लेकिन अभी भी वर्कर इंटेंसिव है, यानी कि वहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। कंप्लीटली जो है एडवांस टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में नहीं आई है। इसके साथ साथ आप इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे तो सोशल इशूज़ बहुत हैं, वो चाहे मेल डोमिनेटेड सिस्टम को ले लीजिए, चाहे कास्ट को ले, चाहे रिलीजन को लेके, इन सब चीज़ों को लेकर इशूज़ होते रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है हमारी इंडियन इकोनॉमी को, जो कि रोक रही है इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी बनने में। तो यही चीज़ क्या हो जाएंगी, प्रॉब्लम या चैलेंजेस में आप लिख सकते हैं कि सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी या चैलेंज क्या हो गया, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हाई रेट से होती रहेगी तो इससे आपकी इकोनॉमी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डेवलप नहीं बन पाएगी, डेवलपिंग में ही रहेगी, या फिर हो सकता है कि आगे चल के और जो इसकी रेट है वो स्लो डाउन हो जाए। पुवर्टी गरीबी भी जो है क्या है, ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा चीज़ जो प्रॉब्लम है, चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, इंडिया नीड्स टू बूस्ट इट्स रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड क्रिएट 90 मिलियन नॉन फॉर्म जॉब्स बिटवीन 2023 एंड 2030 इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। द नेट एम्प्लॉयमेंट रेट नीड्स टू ग्रो बाई 1.5% पर एनम फ्रॉम 2023 to 2030 to achieve 8 to 8.5% GDP growth between 2023 and 2030। तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो है यहाँ पर मैकेंसी का सर्वे हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर इंडिया में जीडीपी के जो ग्रोथ है वो 8 से 8.5 लेके आनी है 2023 से 2030 के बीच में, तो फिर उस केस में जो है अनएम्प्लॉयमेंट को रेट को कम करना होगा और 90 मिलियन नॉन फॉर्म जॉब्स जो है क्रिएट करने पड़ेंगे 2023 से 2030 के बीच में, जैसे कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 1.5% इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 1.5% इंक्रीज हो, तो जो है जीडीपी जो है 8.8 से 8.5% चल जा सकती है, जो कि अभी 6 से 7% चल रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी में। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है, हमारे सामने अभी प्रॉब्लम है, चैलेंजेज हैं कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। पुअर एजुकेशन, हालांकि अब बहुत सारे ऐसे IITs और IIMs है जहाँ पर आप जो है अच्छी एजुकेशन पाकर जो है अच्छी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अभी भी बहुत जगह पे एजुकेशन सिस्टम जो है उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। वहीं पे नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। महंगाई भी आप देखें तो लगातार जो है महंगाई, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये भी इंडियन इकोनॉमी को पीछे खींच रही है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि हमने पहली बात कर ली कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो तो रहे हैं लेकिन अभी भी अप टू द मार्क डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। वहीं पे अगला है करप्शन। करप्शन भी जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी को पीछे या फिर रेट को स्लो करती है। लॉट्स ऑफ इनएफिशिएंसी एंड वेस्ट इन द इकोनॉमी जो है वो करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार की वजह से भी होता है, बहुत सारा पैसा जो है बर्बाद हो जाता है। प्राइवेट डेप्ट, ये भी जो है कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम है। प्राइवेट डेप्ट क्या है कि हमने लोन तो ले लिया, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके लोन ले लिया, लेकिन जो है हम उस लोन को रिपे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी क्या है, इंडियन इकोनॉमी को पीछे लेकर खींच रही है, पीछे लेकर जा रही है। ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है और इसको डील करना होगा। प्राइवेट डेप्ट, जैसा कि आप बड़े बड़े केसेस देख रहे हैं, तो लाखों करोड़ों मिलियन में जो है लोन ले लेते हैं, उसके बाद जो है कंट्री छोड़कर भाग गए। तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो कि हमारे नॉलेज में नहीं है, लेकिन प्राइवेट डेप्ट में ये चीज़ आ रही है कि लोग लोन लेते हैं, उसको रिपे नहीं कर पाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस हैं इंडियन इकोनॉमी के। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है और जो प्राइवेट ऑनर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो भी जो है यहाँ पर बिजनेस परफॉर्म करते हैं। सबसे ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है वो कौन सा सेक्टर है, दैट इज सर्विस सेक्टर, जिसको हम टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। और इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के कैटेगरी में इंडियन इकोनॉमी को रखा है। क्यों? क्योंकि ये जो है हायर रेट से ग्रो कर रही है अदर देन एज पर कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। क्लियर? एग्रीकल्चर का 14% इन्वॉल्वमेंट है, इंडस्ट्री का 27%, सर्विस का 59% जो है टोटल जीडीपी का इन्वॉल्वमेंट है, कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो 2026 तक $4 ट्रिलियन की बन सकती है एज पर IMF रिकॉर्ड। और जो करेंट रेट है इंडियन जीडीपी का दैट इज 6 to 7% है इंडियन जीडीपी का। क्लियर? वहीं पे एक्सपोर्ट की बात करें तो $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो 2030 तक हो पहुंच सकता है एज पर टू मिस्टर पीयूष गोयल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हैं। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और जो फीचर्स थी कि लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पुअर पर कैपिटा इनकम जो है कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, पुअर्टी है, इनकम डिस्पैरिटी है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, अनएडवांस टेक्नोलॉजी है, सोशल इशूज़ हैं, ये सब फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स में। और वहीं पे इन्हीं को आप प्रॉब्लम या फिर चैलेंजेस की कैटेगरी में भी लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, पुअर्टी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एजुकेशन अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, करप्शन भी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं प्राइवेट डेब्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, लोग पैसे लेके चले जा रहे हैं और पैसे चुका नहीं रहे हैं। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी उतनी एडवांसमेंट अभी नहीं हो पा रही है जितनी अच्छी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों पर अगर कंट्रोल हो जाता है तो इकोनॉमी जो है इंडिया की वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रो करेगी और जल्द ही डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।